डियर सब्सक्राइबर, तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले फ्रेंड एनबीएस नॉन टीचिंग फॉर्म कैसे भरेंगे। नवोदय विद्यालय समिति में फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुका है वेरियस जैसे फ्रेंड पोस्ट पे नॉन टीचिंग। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कैसे इसका फ्रेंड फॉर्म को भरना है। 22 मार्च 2024 स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फ्रेंड जो इसका फॉर्म भरने का फ्रेंड 30 अप्रैल 2024 तक रखा गया है। फीस की बात करें फ्रेंड यहाँ पे देख सकते फीमेल स्टाफ नर्स को लेकर के यहाँ पे फ्रेंड 1500 रुपए चार्ज है और ऑल पोस्ट वाइज आपको 1000 रुपए यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। SC ST पीएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फ्रेंड यहाँ पे चार्ज रखा गया। करेक्शन डेट भी फ्रेंड पहले यहाँ पे दे दिया गया, 2 मई से लेकर के 4 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन को लेकर के मैंने फ्रेंड ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो जाकर के फ्रेंड जरूर देख लेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अगर आप आते तो फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल चाहिए पोस्ट वाइज फ्रेंड आपका। बाकी इसमें 1370 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के फ्रेंड यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म को भरने से पहले फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है। फ्रेंड नोटिफिकेशन वाले लिंक पे फ्रेंड आप आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड आपको देख सकते हैं काफी सारी चीज इंपोर्टेंट जानकारी, अप्लाई डेट वगैरह सब चीज, एंडिंग डेट, आपको सारा चीज पोस्ट वाइज किस पोस्ट पे कितना फीस लग रहा है और कौन से क्वालिफिकेशन फ्रेंड आपको मांगा जा रहा है वो सारा चीज फ्रेंड आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड पहले आपको जो कि नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद फ्रेंड आप सभी लोग जो कि फॉर्म को भरेंगे सिटी स्टेट वाइज आपको सारा चीज यहाँ पे फ्रेंड देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग इसको देखेंगे अच्छी तरह से उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म को भरने फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे फ्रेंड आना है, ऑफिशियली वेबसाइट पे nbs.nitonline.in इस तरह का वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे फ्रेंड नीचे में देखने न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको पहले फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करना है फिर लॉगिन करना होता है। तो पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके सिंपली यहाँ से फ्रेंड आपको डिक्लेरेशन देना है। सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे फिर से फ्रेंड आपको यहाँ नीचे आना। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको फ्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड। इनमें से फ्रेंड जो आपको बेटर लगता है, जैसे आप आधार कार्ड से लॉग इन करना चाहते हैं या डिजी लॉकर आईडी से लॉग इन करना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट से या फिर जो कि आपके पास पैन कार्ड है या जो भी है इनमें से आपके पास ABC आईडी है तो उस तरह का अगर जो भी डिटेल्स है तो उसके थ्रू आप जिसके भी थ्रू लॉग इन करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आधार कार्ड से लॉग इन करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है OTP आएगा, यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे, प्रोसीड करेंगे आप। या फिर पासपोर्ट है, जो भी इनमें से बेटर लगता है आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड देख लेंगे। जो भी है आप यहाँ पे क्लिक नंबर को बताएंगे और प्रोसीड फ्रेंड कर लेंगे आप सब लोग। जैसे फ्रेंड आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने फ्रेंड देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आप फिल जो भी चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाता है। आपको फ्रेंड नीचे आना है, नीचे आएंगे फ्रेंड यहाँ से फ्रेंड कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे। अगर आप आधार कार्ड से लॉग इन करेंगे तो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। मैं फ्रेंड यहाँ पे जो है कि पासवर्ड नंबर से लॉग इन कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे डिटेल्स नहीं आया। तो अपना कैंडिडेट का पूरा नाम फ्रेंड इस बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ से फादर्स का नाम लिखेंगे, मदर्स का नाम फ्रेंड यहाँ पे बताएंगे। जो भी फ्रेंड आपका डेट ऑफ बर्थ आता है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस तरह से डेट मंथ ईयर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ से फ्रेंड बताएंगे मेल फीमेल किसका अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आपको कैटेगरी बता देना है किसका आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप जनरल से आते हैं, EWS, OBC या SC ST इनमें से जो भी आप आते हैं तो वो आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। किसी भी तरह का रेगुलर एम्प्लॉय है तो बताएंगे, नहीं है तो नन ऑफ द वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली यहां से अपना ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, कंफर्म अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर फ्रेंड यहां पे आप बताएंगे, कंफर्म यहां पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है फ्रेंड यहां पे फिल करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में फ्रेंड आपको यहां से बताना होता है कि आपको फ्रेंड आइडेंटिटी टाइप में क्या देना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी फ्रेंड बेटर लगता है यहां से आप सेलेक्ट करेंगे। उसका यहां पे नंबर टाइप कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आप PWD कैंडिडेट अगर आप आते हैं तो यहां पे बताएंगे यस करके, अगर 40% है, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। उसके बाद यहां से अपना एड्रेस को फिल करेंगे, लोकेशन जो भी आता है फ्रेंड सब लोकेशन आप यहां से जो कि लोकेलिटी बताएंगे, कंट्री यहां से आपका सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद स्टेट यहां से फ्रेंड आपको बताना है किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड यहां से देखने के लिए मिल जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट को फ्रेंड सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड क्या वो आप यहां पे फ्रेंड फिल करेंगे। क्रॉसपेंडेंस और परमानेंट एड्रेस फ्रेंड आपका सेम है तो यहां पे सेम एस पे टिक करेंगे, आपका एड्रेस दोनों में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहां से आपको एक पासवर्ड बनाना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे फ्रेंड। पासवर्ड कैसे बनाना है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख करके समझ लेंगे और पासवर्ड बना लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेंड बताएंगे कि आपका जन इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको बेटर लगता है यहाँ से बता देंगे। उसके बारे में यहाँ पे टाइप करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ से जैसा फ्रेंड सिक्योरिटी पिन दिख रहा है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स को अच्छे से फिल करने के बाद फ्रेंड जैसे फ्रेंड सारा डिटेल्स को फिल करने बाद फ्रेंड आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रेंड इस तरह से पेज खुल के आ जाता है। आपका फ्रेंड जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल किया सभी को फ्रेंड आपको वेरीफाई करना होता है, सभी डिटेल्स को फ्रेंड आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको इस तरह से
डिक्लेरेशन दे देना, जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने लिए मिलता है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको जो कि एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो फ्रेंड यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। अगर सही तो सिंपली आप यहाँ पे फ्रेंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे फ्रेंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड ईमेल पे ओटीपी आता है, ओटीपी को यहाँ पे फ्रेंड टाइप कर देंगे। जैसा फ्रेंड कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको फ्रेंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे आपका फ्रेंड अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। फ्रेंड आपके ईमेल पे फ्रेंड रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड फ्रेंड आपने बनाया, सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर को टाइप करना है। उसके बाद जो भी फ्रेंड आपका पासवर्ड है, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो बनाया था आपने वो टाइप करेंगे। यहाँ से सिक्योरिटी पिन को डालेंगे और यहाँ पे फ्रेंड सबमिट पे आप फिर से क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे लॉग इन हो जाते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं आपको फ्रेंड इस तरह से डैशबोर्ड देखने मिलता है। यहाँ से फ्रेंड आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है फॉर्म को फ्रेंड भरने के लिए, तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे फ्रेंड उसके बाद यहाँ से फ्रेंड आपको जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट फ्रेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। वेरियस जैसे जितने भी फ्रेंड पोस्ट है, आप जिस भी पोस्ट के लिए फ्रेंड एलिजिबल है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, तो सिंपली फ्रेंड आपको उस पे टिक कर देना है इस तरह से। मान लीजिए जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पे फ्रेंड आपको उसके लिए जो है कि क्वालिफिकेशन भी बताया जाता है कि आप जो है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है। जैसे फ्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या फिर आपका स्टेनोग्राफर को लेकर के फ्रेंड देखेंगे तो आपका किस तरह का आपका इसमें डिटेल्स लग रहा है। अगर आप दो तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इस तरह से आप दो तीन पोस्ट को टिक करके आप जो कि यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो सिंपली यहाँ पे एक पोस्ट पे टिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको बताना होता है फ्रेंड क्या आप किसी भी तरह का फ्रेंड एनवीएस में काम वगैरह वर्किंग करते हैं, तो आप बताएंगे। नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। सेव नेक्स्ट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड यहाँ से फ्रेंड बताना है एनवीएस में किसी भी तरह का एम्प्लॉय है, ये तो फ्रेंड ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे मैरिड स्टेटस को फ्रेंड सेलेक्ट करना है, अनमैरिड है आप, अनमैरिड है जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पीडब्ल्यूडी ये भी फ्रेंड आपका डिसेबल है, सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेवन नेक्स्ट पे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके फ्रेंड नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जो भी फ्रेंड आपने एड्रेस को पहले फिल किया तो वही सारा चीज यहाँ पे फ्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है। तो सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। आपको फ्रेंड एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा यहीं पे ऊपर में कि आपको फ्रेंड जो कि आप रूरल से आते हैं या अनबर से या फिर गाँव या शहर से, तो आपको सिर्फ उसको फ्रेंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे फ्रेंड क्लिक करने बाद आपका डाटा सेव हो जाता है कुछ इस तरह से सभी में। ओके करेंगे। ओके करने बाद फ्रेंड यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फ्रेंड बताना है। आपने जो भी क्वालिफिकेशन पास आउट किया यहाँ से फ्रेंड आप बताएंगे। एग्जाम जो भी फ्रेंड आपने पास किया वो बताएंगे। किस साल फ्रेंड आपने जो कि मंथ में पास किया था वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। कौन सी ईयर्स में आपने पास किया वो सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से इस तरह से ऑप्शन मिलता है। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम फ्रेंड आप यहाँ पे बताएंगे। रोल नंबर क्या वो बताएंगे। परसेंटेज कितना है वो आप यहाँ पे इस तरह से फिल कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड बताएंगे 10th क्लास का डिटेल्स जो भी फ्रेंड आपका है एग्जाम आउट पास के वो यहाँ पे आप बता देंगे। और यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना तो प्लस वाले निशान पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आपका मैट्रिक के बाद जो भी डिटेल्स है जानकारी है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगलिस्ट में फ्रेंड आपको यहाँ से एक्सपीरियंस डिटेल्स फ्रेंड बताना होता है। तो जो भी फ्रेंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। सिंपली सेवन नेक्स्ट फ्रेंड क्लिक करेंगे, फिर से फ्रेंड आपको यहाँ से एग्जाम सेंटर डिटेल्स फ्रेंड बताना है। जहाँ भी फ्रेंड आपको एग्जाम सेंटर रखना होता है तो वो आप यहाँ पे फ्रेंड देख लेंगे। अपने स्टेट पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फ्रेंड आप दूसरा भी स्टेट अलग सेलेक्ट कर सकते हैं या सेम स्टेट चाहिए तो सेम स्टेट फ्रेंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तीन ऑप्शन आपको मिलता है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से जो भी फ्रेंड आपको डिस्ट्रिक्ट रखना है वो सेलेक्ट करेंगे। आपका नियरेस्ट जो भी पड़ता है फ्रेंड उसको आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, अगले स्टेप में फ्रेंड आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और थंब यहाँ से फ्रेंड आपको अपलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे साइज 10 से 200 केबी के बीच में फोटो का साइज, 4 से 30 केबी के बीच में सिग्नेचर और कैटेगरी 50 से 300, थंब फ्रेंड आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो सभी को फ्रेंड जेपीजी और पीडीएफ फाइल में फ्रेंड आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देख सकते हैं इसको फ्रेंड देख लेंगे अच्छी तरह से। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट जहां भी होगा अपलोड फ्रेंड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। सिंपली यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं जब सारा डिटेल्स को अपलोड करेंगे फ्रेंड फोटो सिग्नेचर कैटेगरी और थंब, तो आपको यहाँ पे सबमिट का बटन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं आपको जैसा फ्रेंड कैप्चर देख रहे टाइप करेंगे, आपका मोबाइल नंबर पे फ्रेंड ओटीपी आएगा। सिंपली यहाँ पे फ्रेंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए। आपके मोबाइल पे फ्रेंड ओटीपी आएगा, सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ से फ्रेंड आपको अपना
ओटीपी को फिल करना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर पे फ्रेंड आया है, यहाँ से अपना कैप्चा को टाइप करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक कर लेंगे सिंपली दोनों को डालने के बाद। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड आपके सामने फ्रेंड पेज प्रीव्यू फ्रेंड खुल के आ जाता है, देख सकते हैं फाइनल सबमिट को लेकर के। आपको फ्रेंड नीचे आने स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड, आपको सारा डिटेल्स को मिला लेना है फ्रेंड अच्छी तरह से। अगर आपका कहीं भी कोई भी डिटेल्स मिस्टेक लगता है, एक बार नहीं दो बार फ्रेंड आपको चेक कर लेना, क्योंकि पेमेंट के बाद फ्रेंड आप सुधार नहीं कर सकते। हालांकि सुधार का फ्रेंड मौका दिया जाएगा बाद में, बट फ्रेंड उसमें हो सकता है आपको चार्ज लगे, इसलिए चेक करेंगे। अगर कहीं कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे बैक वाले बटन पे क्लिक करके बैक चले जाएंगे और वापस से फ्रेंड सुधार करके आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फ्रेंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सारा चीज फ्रेंड ओके तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। कंफर्मेशन पूछेगा, सिंपली फ्रेंड आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे फ्रेंड क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, जो भी फ्रेंड आपका यहाँ पे फीस लग रहा है वो आपको देखने मिल जाता है। सिंपली आपको फ्रेंड यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ से फ्रेंड बेटर लगता है आपको, SBI या HDFC, तो जो भी बेटर लगता है इनमें से आप चूज करेंगे सिंपली। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फिर से आपको फ्रेंड पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से फ्रेंड जो भी बेटर लगता है, UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी है, आप यहाँ से सिंपली फ्रेंड UPI को चूज करेंगे। आपके सामने फ्रेंड इस तरह से QR कोड वाले ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आपको फ्रेंड QR कोड मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से पेमेंट भी फ्रेंड स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फोन से और पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड 10 सेकंड वेट करेंगे, आपके सामने रिसीविंग आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके फ्रेंड आप रख लेंगे। ये फ्रेंड कंप्लीट प्रोसेस है फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट NBS नॉन टीचिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह से फ्रेंड आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आपको फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल में फ्रेंड नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने फ्रेंड थैंक यू सो मच। अप्लाई लिंक और आपको जो कि नोटिफिकेशन का लिंक फ्रेंड मैं आपको डिस्कशन में दे दूंगा, वहां से सिंपली क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पे फ्रेंड आप लोग आ जाएंगे फ्रेंड। तो वीडियो देखने फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद।